हेलो शर्मा सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज आ रही है। ओके, थोड़ी देर हम वेट करते हैं किसान भाइयों का, फिर चालू करते हैं वेबिनार। नमस्कार नीलेश सर। नीलेश सर, हेलो हेलो सर ये था आवाज हेलो। हाँ सर ये तो आवाज आता है ये था आपले करी जॉइंट होता है, अपन चालू बर बर करू। बर और चालेल चालेल। आपल्या साइड ने अजून कोणी जॉइंट होणार असेल तर त्यांना सांगून द्या जॉइंट करायला। बरं आज हे काय विषय काय विषय विषय कोणता आहे म्हणजे कस्तुरी आपलं कस्तुरी कॉटन कशा कॉटन। प्रकारचे एक ब्रँड आहे त्याबद्दल हां माहिती मिळेल आपल्याला ह्या वेबिनार मध्ये। ठीक आहे ना। मग माझ्याजवळ शेतकरी स्वतः येऊन बसलेले आहेत चार हाँ चालेल ना, तुम्ही एका डिवाइस वर असं कनेक्ट मोबाईल जा। वरून यांना हाँ मला एक फोटो टाकून द्या व्हॉट्सअपला की तुम्ही वेबिनार ज्वाइन केलंय असं। म्हणजे चालेल, हो आम्ही 5-6 जण इथे बसलेले जाओ ना सर, चालेल ना, काय हरकत नाही। फोटो लागलं तुम्ही कॅमेरा ऑन करून तुम्हाला दाखवू शकतो ते सगळं। कॅमेरा ऑन करून एक फोटो टाकून दे। बिलकुल ठीक आहे चालेल, एक मिनिट पहिले काही बसू द्या म्हणजे पहिले घरात सगळे व्यस्त वास्त बसले।
हेलो कोणी खाली। हाँ हेलो, सर, हाँ सर बोला ना सर। कौन मैसेज करिंदा? हो स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुम्ही. हेलो, मैं हो सर काढते। ठीक है, करूँ मैं कैमरा ऑन. हो सर चालेल, काढ लाग।
शीतल जी, ये चालू नहीं हुआ क्या? हाँ सर, दो बस 2 मिनट हो रहा है, चालू 2 मिनट। अच्छा। तो शो साठी है हेलो भक्त। मनीष सर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ आ रही है। तुमको आ रही है मेरी आवाज? ओके। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपने एपीओ के डायरेक्टर सर किसान भाई जुड़े हैं, क्या आप परमिशन देते हो हम शुरू कर सकते हैं वेबिनार? हाँ बिल्कुल, शुरू करो। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं शीतल करपे कॉटन गुरु तरफ से, कॉटन गुरु की टीम की तरफ से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं झाटपट्टी एपीओ के डायरेक्टर सर किसान भाई। आज के वेबिनार में हम शुरुआत एक वीडियो के द्वारा करेंगे, जिस वीडियो मार्फत हमें ब्रांडिंग क्या है और कैसे इसका फायदा एपीओ को हो सकता है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। वेबिनार के आगे हमारे साथ ज्वाइन है कॉटन गुरु के प्रमुख मनीष डागा सर, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे मार्केटिंग के ऊपर। और अंत में हमारे साथ जुड़ेंगे पुरुषोत्तम जी शर्मा। शर्मा सर के बारे में जितना बोला जाए वो बहुत कम है, इन्हें कृषि तज्ञ बोला जाता है। अभी वेबिनार की शुरुआत में मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ आप सबको, और विनंती है कि सभी जन ये वीडियो ध्यान पूर्वक देखिए। प्राचीन काळात भारताचा कापूस जगप्रसिद्ध होता। आता आपण एक नवीन आदर्श स्थापित करणार आहोत आणि आपल्या कापसाला पुन्हा जगप्रसिद्ध बनवणार आहोत। नमस्कार, मी आदित्य कुमार। वस्त्रोद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम आणि टेक्स प्रोसेल आपल्या भारतीय कापसाला एक ब्रँड बनवण्याच्या उद्देशाने एकत्र आले आहेत। याला कस्तुरी कॉटन भारत असे नाव दिले गेले आहे। विशिष्ट वैशिष्ट्यांची पूर्तता करणाऱ्या कापसाला कस्तुरी कॉटन म्हणून ब्रँड केले जाईल। ही वैशिष्ट्ये याची खात्री करतील की निवडलेला ब्रँडेड कापूस मऊ, मजबूत आणि शुद्ध आहे। जेव्हा आम्ही कापसाची ब्रँडिंग करू तेव्हा खरेदी करणाऱ्याला लगेच कळेल की त्याला शुद्ध गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिळाले आहे आणि आपल्या कापसाचा उत्तम ठसा वेगाने यशाची उंची गाठेल। मी पुढील व्हिडिओमध्ये अधिक माहितीसोबत परत येईन। अधिक माहितीसाठी www.कस्तुरीकॉटन.com ला आजच भेट द्या। चला आपण सर्व मिळून कस्तुरी कॉटन भारतला जगप्रसिद्ध करूया। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने ये वीडियो ध्यान पूर्वक देखा रहेगा। मनीष सर आपको एक वीडियो मार्फत कुछ बताना चाहते हैं, आगे मैं ये वीडियो प्ले कर रही हूँ आपके सामने। भारत के सभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर सर आवाज आ रही है वीडियो की? और आ रही। किसानों से, कॉटन गुरु और ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन की तरफ से मैं खास हेलो, निवेदन करता थोड़ा आवाज बढ़ाना हूँ। पड़ेगा। जो बहुत हाँ बड़ी थोड़ा बड़ा है। अपॉर्चुनिटी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि कस्तूरी ब्रांड जो भारत के कपास से लेकर कपड़े तक का एक
नेशनल ब्रांड है, उस मुहिम में आपको जोड़ने के लिए हमारा ये इनविटेशन है। इसके लिए हम टेक्सप्रोसेल के साथ मिलकर एक वेबिनार सीरीज ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो इसमें अगर जिस भी एफपीओ को सम्मिलित होना हो तो वो मोस्ट वेलकम है। आप ज़रूर आइए, इसको समझिए और आगे बढ़िए इसमें, क्योंकि आगे चल के ब्रांडिंग ही किसान का और कपास में जुड़े हुए हर एक के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता आगे बढ़ने के लिए हमें दिख रहा है। ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ब्रांड की कीमत हमेशा कोई भी साधारण वस्तु से या पदार्थ से ज़्यादा होती है, और ज़्यादा इसलिए होती है कि ये हम कमिटमेंट देते हैं बेचने वाले की तरफ से, बनाने वाले की तरफ से, कि हम इस प्रमाण में, इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये माल बनाएंगे। ये कैसे बनेगा, कपास से गढ़ान का सफ़र क्या इसमें होने वाला है, ये हम इस वेबिनार सीरीज में तो बता ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रत्यक्ष वर्कशॉप भी करने हैं तो आप कॉटन गुरु टीम का संपर्क कर सकते हैं। ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ फेडरेशन और ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन इसके लिए हमेशा आपके साथ में रहेगा। तो कपास का सफ़र नफे की तरफ ले जाने के लिए ब्रांडिंग एक बहुत ही आवश्यक साधन है, एक बहुत ही बड़ा महामार्ग है आगे बढ़ने के लिए। और कस्तूरी ब्रांड टेक्सप्रोसिल के संग हम अगर बना लेते हैं तो इसमें डेफिनेटली किसानों का, एफपीओ का और इस फील्ड से जुड़े हुए सभी के लिए बहुत फायदेमंद सौदा हो सकता है। तो जरूर इसमें हमारे साथ में रहिए। थैंक यू मनीष सर, आपने ये वीडियो मार्फत हमारे एफपीओ के डायरेक्टर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ी और डिटेल में जानकारी हमारे किसान भाई और डायरेक्टर्स को दे सकते हो। जरूर, पहले तो आप जो भी सुन रहे हैं उनसे ये पूछिए कि ये दो वीडियो देख के इनको क्या समझ में आया है। ओके, नीलेश सर। हाँ जी मैडम, अभी आपके सामने जो दो वीडियो प्ले हुए आपने जरूर वो ध्यान पूर्वक देखे रहेंगे, आपको क्या समझ में आया ये वीडियो देखने के बाद? समझ ये आया कि गुणवत्ता पहले बहुत अच्छी थी, अब गुणवत्ता में घसरन आ गई अपने कपास में, ये एक मुद्दा था उसमें। दूसरा मुद्दा ये था कि अपन पहले जो खेती करते थे उसमें अपनी गुणवत्ता एक नंबर थी, अपन अभी अपनको वो ब्रांड में गुणवत्ता करना है, उसको सुधार लाना है, इसलिए हम हमारे एफपीओ के माध्यम से किसानों को बोल के वैसी गुणवत्ता लाने की कोशिश कर सके, उसमें आपका सोएगा। यही बात दोनों वीडियो में एक ही समानता आई उसमें। ओके, इतना मेरे समझ में आया। हाँ। और एक कस्तूरी कॉटन के बारे में बोला, वो भी समझ में आया थोड़ा सा। मनीष सर हमारे साथ है, सर हमें और अच्छी तरीके से इसके बारे में बताएंगे और विस्तार से बताएंगे तो और मालूमत हो जाएंगे उसकी। हाँ जरूर सर, थोड़ा ट्रैवलिंग में है पर फिर से जुड़ेंगे, शायद से आपका नेटवर्क गया है। बस दो मिनट, एक ठीक है, एक ठीक दो मिनट, एक दो मिनट। नोको नोको हाँ सर, अभी आप बोल पाएंगे? मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो किसी और ने कुछ बताया उनको क्या? हाँ, नीलेश सर ने बताया, उन्हें क्या समझा ये दो वीडियो मार्फत? सुनी मैंने, और किसी ने? नहीं सर जी। तो
समझना यह है कि कपास को हमेशा से ही सफेद सोना या हम मराठी में बोलते हैं पांडुरंग सोना, ये कहा जाता था। तो ये कहे जाने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हमेशा ही कपास उत्पादन करने वाले किसानों को उससे नफा मिलता रहा है। ये हजारों सालों का अनुभव है खेती में, लेकिन अभी जो हो रहा है वो उल्टा है। कपास के जो किसान हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, ऐसा माहौल बन गया है। गुणवत्ता कपास की कम हुई है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सिर्फ किसान का उस पे जो मदार था, जो भरोसा था, वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है, ये दिख रहा है। और इसके कारण बहुत सारे हैं। मुख्य कारण ये है कि किसानों को कपास के बाजार के बारे में कुछ पता ही नहीं। जब वो उगाता है तो किसको बेचेगा, क्या भाव से बेचेगा, उसमें उसका कुछ कहना नहीं होता है, उसका कुछ चलता भी नहीं है। तो ये सीन बदलना चाहिए। हर उत्पादन का उसके मैन्युफैक्चरर जो उसको उत्पादन करता है उस पर हक होना चाहिए कि वो उसके भाव तय करे, मेरा ये क्या भाव से बिकेगा। और ये तभी हो पाएगा जब किसान को पता होगा कि जो बाजार को चाहिए ऐसा माल वो उगा के दे रहा है। अब कपास से रुई का जो सफर है, जो मूल्यवर्धन हम जिसको बोलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो एफपीओ के मार्फत ही हो सकता है। तो एफपीओ के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप मूल्यवर्धन में किसानों को साथ जोड़ें और ऐसी कंपनी जो आपको इसमें पूरा गाइड कर सके, उस कंपनी का आप कंपनी की मदद लें। कॉटन गुरु, माय एफपीओ फेडरेशन, बहुत सारे एफपीओ को ऐसे मदद कर रहा है। अगर आपको भी ऐसी मदद की जरूरत है तो हम यहाँ पे मूल्यवर्धन करने में और मूल्यवर्धन करके जो गठान बनेगी उसको अच्छे भाव से बाजार में बेचने में आपकी मदद कर सकते हैं। और इसमें आगे चल के सबसे बड़ा आपके लिए पुरस्कार होगा, अगर आप कस्तूरी ब्रांड में गठान बना सकते हैं तो ये भारत का नेशनल ब्रांड है और इसके लिए बहुत सारी मांग है बाजार में। बहुत सारे खरीदारों को ये कस्तूरी ब्रांड का रुई खरीदना है। तो ये कपास आपका अगर कस्तूरी ब्रांड के रुई की गठानों में परिवर्तित होता है तो बहुत अच्छा नफा आपको भाव में मिल सकता है। ये कैसे मिलेगा, क्या है, ये इस प्रोसेस को कैसे करना है, एफपीओ के डायरेक्टर मिलकर हमसे समझ सकते हैं। आपको एक जिनिंग फैक्ट्री का संपर्क हमसे कराना होगा जहां हम ये गठान बनाएंगे, कपास आपको ला के देना होगा। जिस जिस तरह का कपास हम आपको बताएंगे उस तरह का कपास आपको ला के देना होगा। कैसे लाना है इसमें भी हम आपको गाइड करेंगे। गठान बनाने के बाद हम कस्तूरी ब्रांड में उसको रजिस्टर कराएंगे और अच्छे भाव से आपको बेचने में मदद कराएंगे। यही उद्देश्य है इस वेबिनार का, कि मूल्यवर्धन तो हो उसके साथ में मूल्य का सर्जन। नीले सर, आपको हाँ समझ मैम बोलिए। समझा मनीष सर ने जो बताया? आपको हाँ आया, पूछना समझ में चाहेंगे, आया मैम। इसके बारे में कुछ नहीं पूछना चाहेंगे? आप आगे बढ़ो शीतल, है ना, और इसको भी जब भी इनको और जानकारी लेनी हो तो हम इनके साथ में वर्कशॉप भी कर सकते हैं। ओके सर, मैं बताती हूँ उनको। नीले सर, प्रवासात आहे त्याच्यामुळे जास्त बोलू शकले नाहीत आता, पण आपल्याला जर तिथे प्रत्यक्ष येऊन काही माहिती आम्हाला द्यायची असेल आपल्या एफपीओच्या डायरेक्टर्सला किंवा अजून गावातील शेतकऱ्यांना, तर आमच्या टीमची पूर्ण तयारी आहे। आपण तिथे येऊन एक वर्कशॉप सुद्धा घेऊ शकतो, जेणेकरून आता आपण फोनवर हे थोडक्यात सांगतोय, समोर आल्यानंतर पूर्णपणे ही माहिती आपल्याला मिळेल आणि आपले जे काही प्रश्न असतील ते समोरासमोर म्हणजे प्रश्न आणि उत्तर लगेच तुम्हाला त्याचं मिळेल। तर एक वर्कशॉप असं आपल्या इथे आपण घेऊ शकतो आपल्या शेतकऱ्यांसोबत। हाँ घेऊ शकतो मॅडम आपण। ठीक आहे, वेबिनारच्या पुढे सॉरी नीले सर, मी विनंती करते की पुढे आपण हिंदी मध्ये संभाषण करूया, कारण शर्मा सर आहेत भिलवाड्यावरून आपल्या सोबत, ते हिंदी भाषे मध्ये कम्फर्टेबल आहेत बोलायला।
ठीक आहे मॅम, पण काही काही शेतकऱ्याला समजत नाही. हो हो काय अडलं तर मी समजून सांगते. ठीक आहे चालेल. वेबिनार के आगे मैं आमंत्रित करती हूँ पुरुषोत्तम शर्मा सर को. कम लागत में अधिक उपज कैसे ली जा सके और खेतों में आने वाले रोगों पर घरेलू उपचार कैसे की जा सकती है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शर्मा सर को. शर्मा सर. हाँ शीतल जी नमस्कार. वो थोड़ा सा नमस्कार सर. परिचय दे दी, बता दें कि वो जो है ना वहाँ कौन कौन सी फसल होती है, क्या होती है वगैरह, तो नीले एफपीओ सर. का. हाँ आपल्या इथे, हेलो. आपल्या यहाँ कोण कोण से क्रॉप लिए जाते हैं, आपल्या इथे कोणते कोणते पिक घेतले जातात, त्याची माहिती सरांना द्यावी. आमच्या इकडे सर हिंदी मध्ये बोला ना तुम्ही. हाँ और चना और ज्यादा ज्यादा ज्वार, इसके ऊपर नहीं ले सकते. खरीफ में आप कौन सी फसल बोते हैं कपास के अलावा? कपास और ज्वारी. कपास और ज्वार लेते हैं. अच्छा अच्छा हाँ अच्छा और अच्छा मैं शुरू करूं, उससे पहले ये पूछना चाहता हूँ, कपास आप कितने कितनी दूरी बोते हैं, कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी? तीन फुट सोयात लाओ, 3 फीट के इसमें लगाते अपन. 3 बाई 3, 3 फीट बाई तीन तीन बाय नहीं 3 बाय 1 है. 3 बाय 1 3 बाई 1. हेलो. हाँ जी. तीन आवाज बाय आवाज कट रही है आपकी. हाँ रेंज का प्रॉब्लम है यहाँ पर. हाँ तीन जी. बाय 1 में लेते हैं हम कपास. 3 बाई 1 में. ये कितने साल से ले रहे हो 3 बाई 1 में? 3 बाय 1 7-8 साल हो. 7-8 साल हो गए जब से बीटी आई हो तब से. अच्छा तो 3 फीट बाई 1 फीट पे ले रहे हैं. आपकी प्रति एकड़ पैदावार कितनी हो जाती है? 10-12 एकड़ आ जाती है. 10-12. बढ़िया बढ़िया. हाँ तो मैं अब चालू करता हूँ आपसे. महाराष्ट्र के किसान भाइयों को मेरा राम राम. मैं कुछ गुर आपको बताऊंगा कि हम अधिक पैदावार कैसे ले सकते हैं. मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार मैं सुन रहा हूं कि आपके यहाँ 3 फीट बाई 1 फीट पर जो है आप कपास बोते हैं. यही है हमारा मकसद है. तो पहला गौर तो आप जान ही गए 3 फीट बाई 1 फीट पर आप बो रहे हैं और आप कह रहे हो 5-7 साल से बो रहे हैं, तो आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और ताली बजाकर धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहला गोल ये है कि आपके महाराष्ट्र में या अपने यहाँ जितने भी हैं चाहे उत्तर भारत में, वो पहले 3 फीट बाई 3 फीट पर बुआई करते थे. और मुझे अब तक की जो वेबिनार में ये मालूम पड़ा कि आपके यहाँ 5 फीट बाई 1 फीट पर बोते हैं, 4 फीट बाई 1.5 फीट पर बोते हैं. तो देखो भाई, एक ऐसा है कि ये जो दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में 1 हेक्टर में मतलब 2.5 एकड़ में 1 लाख पौधे लगाते हैं. और ब्राजील में है, चीन में है, और अपन से पैदावार 1 हेक्टर में 4 गुनी पैदावार ले रहे हैं और आपके महाराष्ट्र से तो 6 गुनी पैदावार ले रहे हैं. तो मैं कुछ मंत्र बताता हूं कैसे जो है आप पैदावार बढ़ा सकते हैं. पहला मंत्र तो आप कर ही रहे हैं, 3 बाई 1 पर जरूर करिए, बढ़िया है, बहुत अच्छा. दूसरा मंत्र ये है कि आप जब निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार नाश करते हैं या टिलर चलाते हैं या जो भी है हाथ से या किसी से भी, तो जो
उस समय में जब आखिरी आप करते हैं तो उसमें आपको पौधों पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, डोली बना देना चाहिए। डोली बनाने से ये फायदा होगा कि अगर आपका पानी ज्यादा आया तो वो जो है नाली बनेगी, उस नाली से पानी निकल जाएगा। पानी कम बरसा तो उसमें नमी बनी रहेगी, उससे जो है मान लो नहीं बरसा कुछ 15-20 दिन 25 दिन अगर उसने, तो वो जो है। और तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा है, हवा वगैरह चलेगी और हवा से जो है गिरने का या टूटने का खतरा जो है पौधे का नहीं रहेगा। ये दूसरा मंत्र तो आपको बता रहा तीसरा मंत्र ये है भाई, जो आपके यहाँ करते हैं या नहीं करते हैं, अधिकतर तो नहीं करते हैं। आपके यहाँ एक योजना चल रही है दादा भाई लाड़ की, जो अब चलाई है और उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है केवल उसी के लिए लगा रखे हैं। एक सीधी सादी बात है, कोई भी आदमी जब वो होता है तो अगर तुझे स्वाभिमान रखना है तो किसी को सिर पर मत बैठ देना। तो कपास भी जो है वो सिर पर बैठता भैया, तो उस पे सिर पर बैठने के लिए क्या करते हैं कि अगले आदमी को अपनी औकात बता देनी है। तो वो औकात बताने के लिए एक आपकी जब भी फसल 4.5 से 5 फीट की हो तो उसका सिर तोड़ देना चाहिए, जिसको डी टॉपिंग कहते हैं। और हमारे मनीष जी डागा ने इसको चालू किया है और वो एक मशीन भी उपलब्ध कराते हैं वगैरह वो डी टॉपिंग के लिए, उस मशीन से जो है हो जाता है। तो कभी भी जैसे ही आपका कंधा छुए तो उसका सिर तोड़ दीजिए, उसका अपमान कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि नीचे से शाखाएं और फड़ बढ़ेगी, और जितनी शाखा और बनेगी तो उसमें जो है आपके बॉल्स जो है क्या कहते हैं हमारे यहाँ डिंडू कहते हैं, बॉल्स ज्यादा लगेंगे, फूल फाल ज्यादा आएगा। और पैदावार मेरा अपना अनुभव है 15 साल का, उसमें ऐसा करने से, केवल ऐसा करने से 15 से 20% पैदावार बढ़ जाती है। तो आप इसके अलावा भी कि नहीं भाई हम तो सिर विर कहाँ तोड़े हमारे यहाँ जो है, तो उसके लिए एक दवा जो है आती है और वो दवा है चमत्कार। तो चमत्कार जैसे ही 55-60 दिन की फसल हो, 15 लीटर की जो मशीन आती है दवा छिड़कने की, उसमें 25 से 30 मिलीलीटर दवा डाल करके छाटेंगे तो आपकी बढ़वार रुक जाएगी और आपकी जो बॉल्स है वो बड़ी बड़ी आएगी। फिर जरूरत हो और फिर भी बढ़ रहा है तो फिर जो है ना एक बार और छाट सकते हैं। लेकिन सिर तो तोड़ना ही है कपास का, चाहे आप हाथ से तोड़ें चाहे आप जो है मशीन से तोड़ें, और चाहे जो है आप ये चमत्कार जैसे जो है उससे इसको मैपिकेट कंपाउंड जो है ना PGR है वो आपके यहाँ खूब चल रहा है, शायद आप लोगों ने कम में लिया हो, नहीं लिया हो ले तो ले सकते हैं। चौथा बिंदु ये है कि कपास में अक्सर एक बीमारी आती पैराविल्ट की, आप शाम को तो देखकर अपने खेत में आए कि भाई फसल बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, अच्छी चल रही है, और सुबह जाकर के देखते हैं तो उसमें से 25 से 30% पौधे या 20% पौधे जो है वो सूख जाते हैं, हरे के हरी सूख जाते हैं। इस बीमारी को पैराविल्ट कहते हैं। तो पैराविल्ट के लिए आप ये करें, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। जो हमने चालू कर रखा है हमारे यहाँ राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में,
तो वो ये है कि एनपीके खाद आता है 1 किलो का, 1 एकड़ के लिए 1 किलो एनपीके 19 19 19 20 20 20, और इसी ढंग से जो है आपके महाराष्ट्र के उसका जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट का पैकेट आता होगा, तो वो उसमें आप 1 किलो उसको ले लीजिए, और उसको अगर आप छांटेंगे तो उससे आपको दो फायदे होंगे कि ये बीमारी जो पैराविल्ट की वो तो नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि हम खाद में दो नाम ही जानते हैं अधिकतर, और वो नाम है यूरिया डीएपी, यूरिया और डीएपी, हम पोटाश डालते ही नहीं। तो एनपीके जब डालेंगे तो उसमें पोटाश है, पोटाश मिलेगा, और पोटाश मिलने से पोटाश की जो खासियत है वो ये है कि पोटाश जिस भी फसल में डालते हैं तो कीड़े बीमारी कम लगती है, और अगर और वो जो है जो भी चीज बनती वो चमकदार बनती है, तो कपास कपास को भी चमकदार बनाना है, गेहूं को भी या किसी को भी। तो चौथा मैंने ये बताया। पांचवा जो ये है कि हमारे कई फूल जो है वो जो है बोल बनने से पहले या डिंडू बनने से पहले ही खिल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए एक प्लेनोफिक्स नाम की दवाई आती है, बहुत सस्ती सी, बहुत सस्ती सी, मुश्किल से 100-150 रुपए में जो है 1 एकड़ के लिए उसका खर्चा है। उसको अगर आप, और कितना, एक टंकी, एक जो आपका जो मशीन है उसमें 5 मिलीलीटर दवा, 5 मिलीलीटर का मतलब आपका जो चाय का चम्मच है उतनी दवा उसमें डाल करके आप छाटेंगे, तो वो जो है फूल गिरना, खिरना हमारे यहाँ कहते हैं, या फूल गिरना या फल गिरना वगैरह है, वो रुक जाएगा। एक चीज जो हमने और चालू की है हिंदुस्तान में, पहली बार हमने चालू की है, वो है माइकोराइजा नाम का आजकल बायो फर्टिलाइजर आपको मिल रहा है। अगर 1 एकड़ में वो 4 किलो का, अलग अलग कंपनी का कितना है, 4 किलो के करीब जो है, जिस समय उसको जो है खाद में मिला करके या गोबर की खाद में मिला के, या मिट्टी और जमीन गीली होनी चाहिए, उसमें आप जब डालेंगे तो आपकी जो डीएपी की मात्रा कम डालनी पड़ेगी। जो ये जो डीएपी खाद है या सुपर फास्फेट खाद है या फास्फोरस खाद है, वो जमीन में फिक्स हो जाता है, 30% जिस फसल में डालते मिलता है, और बाकी का वही लंगड़ा खाद है, वही जम जाता है। तो ये एक जैविक है, नैसर्गिक जो है वो है, फफूंदी है, तो इससे जो जड़ जो है वो तिगनी बढ़ जाती है, दुगनी तिगनी बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है, जो खाद हमारा जमा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, हमने उसके पैसे खर्च किए, तो इसके डालने से आपको फास्फोरस जो जमा हुआ वो ऊपर फसल को मिलेगा। दूसरा ये कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नीचे तक हैं, उन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपके पोषक तत्व हैं उनको भी खींच करके करेगा, और जड़ जब मजबूत होगी तो पौधा भी मजबूत होगा, और पौधा यदि मजबूत होगा तो निश्चित रूप से कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे और पैदावार भी बढ़ेगी। इस साल हमने किया और काश्तकार इतना प्रभावित है कि वो गेहूं में डाल रहा है, जौ में डाल रहा है, चने में डाल रहा है, आप सब फसलों में डाल सकते हैं सिवाय सरसों के, आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। तो ये बिंदु मैंने आपको बताए जो मंत्र हैं। अब आप खर्चों में कटौती कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। शर्मा तो सर, आप, हाँ जी,
मिनट, मैं बीच में बोल रही हूँ, सॉरी। हमारे साथ अयाज सर भी जुड़े हैं, कौन अयाज सर है अकोट जी? से, उनके यहाँ गुलाबी सुंडी की वजह से कपास इस साल पूरा खराब हो चुका है। कपास हाँ वो पीला पड़ रहा है, पीला पीला पड़ चुके खराब हो गया है। हाँ बिल्कुल। और उसको जो है प्लाउ डाउन करना पड़ा होगा वगैरह, कि भाई अभी ये तो बेकार हो गया मतलब। हाँ तो ये अयाज इस सर, पे आप सुन रहे हो? इस पे आ रहा हूं मैं, ये तो हाँ, लेऊंगा। आप खर्चों में कटौती कैसे करते हैं? तो जितने भी काश्तकार हैं उनके यहाँ गाय भैंस तो पलती पलती है, और गाय भैंस पलती है तो निश्चित रूप से बिलोना होता होगा, उसमें छाछ वगैरह जो है बनती बनती है, और गायें जो पेशाब करती है, भैंस पेशाब करती है वो भी है। तो आप को एक तरकीब बताता हूँ जिससे कीड़े भी नहीं लगेंगे और पोषक तत्व भी बढ़ेगा। तो आप जो है ना छाछ को एक मटके में डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, और बाकी जो है उसी में आप गौमूत्र डाल दीजिए। गौमूत्र डाल के उसको 5-7 दिन उसको सड़ने दीजिए, मतलब वो बहुत खट्टी हो जाए। और अगर आप डालना चाहें तो उसमें नीम भी डाल सकते हैं, धतूरा डाल सकते हैं, आपको एलोवेरा डाल सकते हैं, आपकी गाजर घास डाल सकते हैं, और करंज डाल सकते हैं, वो भी उसमें डाल करके, और फिर उसको छान करके रख दीजिए। और उसमें आपकी जो 15 लीटर की टंकी है उसमें 2 लीटर आप डाल करके, बाकी का पानी जो है आप मिला करके आप छाटेंगे। तो उससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि उसमें जो आपके चूसने वाले कीड़े और दूसरे कीड़े वो मर जाएंगे, और दूसरा ये फायदा कि गौमूत्र और छाछ में पोषक तत्व तो होते हैं, तो वो पोषक तत्व तो हो गए, आपकी फसल एकदम हरी और आपके जो फल है बहुत अच्छे लगेंगे वगैरह। तो आप इस हिसाब से अगर 2 बार भी छाटते हैं तो आपके जो आपकी जेब से जो पैसा खर्च करके और आप जो दवा जो बाजार से लाते हैं उसमें कमी होगी, और शायद डालनी नहीं पड़ेगी। अगर 2-3 बार आप डाल देंगे तो आपकी फसल बड़ी जोरदार होगी और पैसा भी आपको नहीं लगना है। दूसरा ये है कि भाई हमें तुरंत फुरत कुछ डालना है, हम कीड़े मारने हैं, तो आपके यहाँ मिर्ची होती है, हरी मिर्ची मिलती है, सब जगह मिलती है। हरी मिर्ची आधा किलो लीजिए, उसको अच्छी तरह पीस लीजिए, पीस करके, और आधा किलो जो है लहसुन, जो आपका प्याज लहसुन जो होता है ना लहसुन, उसको पीस लीजिए, और उसको जो है ना अच्छा पीस करके पानी में घोल करके, और फिर उसको जो है 140 से 150 लीटर पानी में घोल लीजिए, और आपकी टंकी में भर भर के आपकी आप उसको जिस भी कीड़े पर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो ये छाछ वाला प्रयोग, और ये प्रयोग किसी भी फसल में कर सकते हैं, साग सब्जी वगैरह, इसमें फलदार पौधों पर और इस पर किसी पर भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने बचत खर्चों में कटौती कैसे करते हैं ये बताया। अब आपने जो प्रश्न किया है गुलाबी बोंडी या गुलाबी सुंडी, सुन लेना और बड़े ध्यान से सुनना। जब आपने प्रश्न किया है तो मैं पूरी बात बताऊंगा। गुलाबी सुंडी के लिए कोशिश करनी पड़ती, जैसे शादी में होने से पहले टेंट लगाना पड़ता है और सब लगाना पड़ता है, माइक लगाना पड़ता है, पंडित की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, ऐसे ही गुलाबी सुंडी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसमें पहली बात जो है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो भी काश्तकार बोता है, जब आपके गांव में जो काश्तकार बो रहे हैं या पास के पड़ोस में जो काश्तकार बो रहे हैं, तो जब वो बुवाई करें तो निर्णय कर लें कि भाई ये जो है 15 दिन के अंदर, बरसात के साथ बोते तो ये बरसात के साथ बोए, अब एक आदमी ने अप्रैल में बोया, एक ने मई में बोया, एक ने बारिश के साथ,
बहुत से जून में बो रहे हैं। अब क्या होता है कि गुलाबी सुंडी वो जो है पौधों में ही रहती है, बीज में भी रहती है, और आपकी जो जीनिंग फैक्ट्री है उसमें भी विद्यमान है। क्या होता है कि जब आपने अलग अलग वो एक ही जगह में तीन तरह की बोया, एक ने अप्रैल में बोया, एक ने मई में बोया, एक ने जून में बोया, तो गुलाबी सुंडी अगर आएगी, ये सबने एक साथ अगर बोया है और उन तारीखों में 10-15 दिन में ही बोया है, तो मान लो आई भी तो एक ही उसकी पीढ़ी होगी। बाकी अगर आपने अलग अलग बोया है तो उसको जिंदा रहने के लिए बहुत अच्छा आप स्वागत करके और कहेगा पधारो, हमारा खेत तैयार है और कपास भी हमने की है, पैसा भी लगाया तुम्हारे खाने के लिए। तो पहला तो ये है कि जब बुआई करें पूरा गांव पास पड़ोस के जितने आदमी हैं एक समय में बुआई करें, चाहे बरसात के साथ करें, अगर आपका ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं। दूसरा जो है इसमें ये करनी है, जल्दी बुआई में नहीं जाएं, जल्दी बुआई करोगे गुलाबी सुंडी आएगी। तो अब दूसरा बिंदु ये है कि ठगाता है वो बीज में, बीज व्यापारी के कहने से नहीं लें कि साहब ये नया बीज आया ले लो, वो बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी, और सभी प्रशंसा कर रहे हैं फलाने जगह अच्छा हुआ और उस जगह अच्छा हुआ, नहीं, उससे कहें कि मुझे वो बीज चाहिए जो जल्दी पकता हो, 140 से 160 दिन में पकने वाला बीज ही, जहां गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है वही बीज आप बोए। लंबी अवधि का आप बोगे निश्चित गुलाबी सुंडी आएगी, 180 दिन और 210 दिन में पकने वाला जो अगर आप लगाओगे तो काम उल्टा हो जाएगा। इसके बाद आप जब दवा छांटते हैं तो जो व्यापारी दे देता वही दवाई छांटते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न किया इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं, ये जो दवाइयां मैं बता रहा हूं उन दवाइयों को पहली बार नहीं छांटना है, वापिस कर रहा हूं, ये जो दवा मैं बता रहा हूं नोट कर लीजिए आप, ये दवा पहली बार आपको नहीं छांटना है, जैसे रोगोर डाइमिथियोट कहते हैं उसे, मोनोक्रोटोफास, एसीफेट, इमिडाक्लोप्रिड, एसिटाक्लोप्रिड, इन दवाओं को आपको पहली बार नहीं छांटना है। अगर छांटोगे तो इनमें एक खासियत होती है कि एकदम फसल हरी होती है और बढ़वार अच्छी लेती है, तो अगर आप ऐसा छांटोगे तो गुलाबी सुंडी को या गुलाबी बोंडी को आप निमंत्रण देंगे, आइए आपके लिए बहुत तैयार। क्या छांटना है आपको? प्रोफेनोफास दवा आती है, क्यूनलफास दवा आती है, लार्विन दवा आती है जो बायर की है या और दूसरी कंपनी की, थाइडोका और इसका टेक्निकल नाम है, दूसरी कंपनियां भी बनाती है। इन दवाओं को मतलब आपकी जो मशीन है 15 लीटर की उसमें 30 मिलीलीटर दोनों दवा क्यूनलफास और ये, और लार्विन जो आती है थायडोकार्प आता है वो पाउडर आता है, 30 ग्राम आप मिला करके उसमें छांटिए। ये अब होता क्या है, 120 दिन तक, या मैं तो कहता हूं मैंने तो यहां कह रखा है इस दवा को छांटते ही नहीं, जो सिंथेटिक पायरेट है, सुमेसिडिन है, साइपरमेथिन है, फेनवरेलेट है, इन दवाओं को तो आपके खेत में 120 दिन कम से कम प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए, और मैं तो यहाँ बताता हूँ कि मत मत करना है, इसको प्रयोग ही मत करो। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनने इसका तोड़ निकाल रखा है,
ये दवा बनाने वालों ने ट्रोपनेफास के साथ फेनवरल एसोमेसिडिन मिला करके और वो जो है काश्तकारों को दे रहे हैं। देखो इससे जल्दी जल्दी जो है ना ये इसका कैटरपिलर मर जाएगा और ये होगा वगैरह, भूल करके भी आप जिसमें ये मिला हुआ है दो दवाई मिली हुई है मत डालना, केवल प्रोपेनोफास छांटते हो तो प्रोपेनोफास ही छांटे हैं। ये तो ये जो है इसकी सावधानी रखना, और वो मैं क्योंकि मैं तो रोज इसके संपर्क में आता हूं तो ये आपको सावधानी रखनी है। अब जहां तक हो आपकी फसल नवंबर महीने तक समाप्त करो, मतलब दिसंबर का फर्स्ट वीक तब तक आप समाप्त करोगे, जितनी जल्दी समाप्त करोगे गुलाबी सुंडी पौधा लगाने के बाद 18 से 25 सप्ताह बाद ये जो है अपना प्रभाव छोड़ती है। और प्रभाव भी क्या छोड़ती है, बड़ा राजसी पौधा राजसी है, ये केवल कपास पे ही लगता है। दूसरी बात ये अंडे वगैरह जो है ना फूल पर और उस जो है वो आप जो बॉल है उसके ऊपर ही देता है, और देते ही जैसे ही अंडे से निकला फट अंदर घुस जाता है। तो आप खेत में जाएं ध्यान रखें, और अगर फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं तो फेरोमोन ट्रैप में जैसे ही बूटी आती है आप दवा का छिड़काव कीजिए। अब आपको जो है जब फसल आपने ले ली, सब चुन लिए आपने, तीन तीन चुनाई की, चार चुनाई और फसल अब खत्म हो गई है, जितना जल्दी हो फटाफट उसमें है हल चलवाइए उनको। अगर आपको काट करके और अलग करके और आप उसका ब्रिकेट्स के लिए या खाद बनाते तो आप खाद बनाइए, रोटावेटर चलवाइए। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप हल चलवाते हैं तो उसके पीछे बुगले जो है आपको सफेद बुगले कुछ वो जो पक्षी हैं वो जो है चुगते हुए आपको दिखेंगे। ये गुलाबी सुंडी का जो चार स्टेज से गुजरता है, अंडा, लट मतलब वो जो कैटरपिलर, और फिर उसका प्यूपा, प्यूपा जो है वो जमीन के अंदर होता है। तो जमीन के अंदर जैसे ही आप कहीं करोगे तो वो जो है जानवर उनको चुग लेंगे, और दूसरा सूर्य भगवान अपनी रोशनी से उसको खत्म कर देंगे। तो ये जो है ये अगर आप सावधानी रखेंगे तो गुलाबी सुंडी से आप मुकाबला कर सकेंगे। महाराष्ट्र नहीं कर पा रहा है, हरियाणा नहीं कर पा रहा है, पंजाब नहीं कर पा रहा, राजस्थान में भी हमारा अपर राजस्थान में भी जो है आदमियों ने फसल को हाँकना पड़ा। और नुकसान क्या करता है, 30% तो उपज कम कर देता है। ये बिनोल को जो बीज है कपास के बीज उसको खा करके दो दो बीजों को जोड़ देता है, उसको डबल बीज कहते हैं, डबल सीड है ना, वो जोड़ देता है। और उसके खाने से ही नहीं, उसने जो नुकसान किया सो किया लेकिन आपकी रुई पीली पड़ जाएगी। तो पीली पड़ जाएगी तो कस्तूरी में कैसे दे पाओगे। तो इसलिए गुलाबी सुंडी के ये कुछ मैंने बताए हैं, आप इसे कीजिए। और ये एक आदमी का काम नहीं है, पूरा एफपीओ मिले, पूरा गांव मिले, कई गांव मिले, इस तरीके से अगर प्रबंधन करोगे आप मैनेजमेंट, तभी। मैं एक बात बता दूं, पंजाब में इस गुलाबी सुंडी की वजह से या गुलाबी बोंडी की वजह से जितनी पंजाब में कपास का क्षेत्र था एक तिहाई रह गया, आदमियों ने कपास बोना छोड़ दिया, चावल बोते हैं वो, है ना, पैडी चावल बोते हैं। और मनीष जी डागा साहब ने अभी एक दिन बताया कि भाई जितनी फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में हैं उस जो जीनिंग प्रेसिंग की उसमें से
800 फैक्ट्रियां इसलिए बंद है कि कपास नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूं जितना विस्तृत में बता सका इसमें गुलाबी बोंडी के लिए मैंने बताया, और निश्चित रूप से आप यहाँ आकर के देखे कि इस बार जो काश्तकार हमारे यहाँ का कह रहा है कि ऐसा सफेद कपास हमने 10-15 साल में नहीं रहा, तो 10-15 साल में नहीं रहा उसका कारण ही ये है कि हमने गुलाबी बोंडी का प्रबंधन किया। उसने कहा भाई नो एंट्री, में हमारे यहाँ आना मत, आएगा तो आप जो है जीवित जाओगे नहीं। तो मैंने कोशिश की है आपको जितना बता सकूं बताने की। आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे बहुत खुशी होगी उसका जवाब दूं। कोई जी सर, प्रश्न? अयाज सर, क्या हुआ? अयाज सर, नहीं, हेलो, नीलेश सर, आपल्याला काय विचारायचंय शर्मा सरांना? हाँ बोलिए ना सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ, किसान पूछ रहे हैं आपके तरफ फसल लगाते समय यूरिया खाद वगैरह डालते हैं क्या? देखिए, जब हमारे यहाँ अधिकतर जो है वो सिंचित होता है तो बोते समय नहीं डालते, जैसे ही बारिश होती है या वगैरह उस समय में डीएपी भी डालते हैं और यूरिया भी डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है सर, आप जो बोते रहे वो सही है, लेकिन जब अपन बोते हैं मतलब बुआई करते हैं, तब वो डीएपी वगैरह डालते हो क्या, ये पूछना हूँ खाली। नहीं, देखिए अभी जो है ना हमारे यहाँ कुछ काश्तकारों ने बोते समय डीएपी वगैरह, क्योंकि होता क्या है कि जब सिंचित बोते हैं ना तो कभी पानी की कमी रह जाती है तो फिर जलने का खतरा रहता है वगैरह, तो इसलिए जो है ना वो जब बारिश हो जाती है वो, हाँ, हमारे यहाँ बुआई जो है वैशाखी पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा होती है उसके बाद बुआई चालू हो जाती है कपास की। हाँ, नहीं, मेरा आपने मेरा प्रश्न सही नहीं सुना सर। नहीं, मैं समझ गया कि जिस समय बोते बोते समय में यूरिया या डीएपी डालते हैं क्या, यही तो है हाँ ना? हाँ हाँ, तो ये उस समय नहीं डालते, वो जब बारिश हो जाती है उस समय में जो है डीएपी और यूरिया यूरिया वगैरह करते हैं, कर लो डालते हैं। बोल कर लो कर लो। हाँ हेलो सर, ये बाड़ू बो हाँ पूछ रहे जी, हैं हाँ हमारे जी, किसान, ये बोल हाँ रहे हैं हाँ अपन बोलिए। समझो समझो बुआई के समय डीएपी या कोई 10-10, 20-20 या जो भी खाद आता है वो डाला तो अच्छा रहेगा या नहीं? देखिए, बोते समय तो आपके यहाँ क्या बरसात की बोते हैं आप? हाँ बरसात बरसात में हाँ, तो भाई उस समय तो डालना ही है। आप डालोगे वो जो है ना डीएपी वगैरह जो है वो आपको बोते समय बिल्कुल डालना चाहिए और उससे फसल अच्छी होगी। अच्छा ठीक है सर। और आपके तरफ जो बोलते हैं सर, आपने बोला कि आदर्श मॉडल फार्म जो लगाए हैं मतलब आपने किया है, वो तो कुछ देखने लायक तो होगा ना सर? भैया ऐसा है कि सबसे ज्यादा हम जहाँ कर रहे हैं वहां जो है ना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार जो है हमारे यहाँ हो रही है, और दुनिया का जो औसत है उससे भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया का औसत है 744 किलो रुई प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में, और हमारी अभी जो किया है वो उसमें 1020 से लेकर 1310 किलो रुई प्रति हेक्टेयर हो रही है लिंट। आपके आपके महाराष्ट्र की जो एवरेज है वो 360 किलो रुई है।
नहीं सर वो तो बात सही है, लेकिन मेरे किसान का कहना है मेरे बाजू में बैठा है, उनको हिंदी नहीं आती इसलिए मराठी में बात कर रहे हो मेरे से, तो हाँ नहीं नहीं उनका करो है करो करो कि भाई, अगर आप मैं मॉडल मेरी ये हो। मजबूरी है कि मैं मराठी जानता नहीं और न बोल सकता हूँ न समझ सकता हूँ, इसलिए अच्छी बात है आप जो है ना नहीं नहीं उनके नहीं तो ये कास्तकारों। वो हाँ जी मेरे से बात कर रहे हैं, नहीं बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छा तो वो बहुत मेरे अच्छा। वो बात कर रहे हैं कि आप मॉडल फॉर्म बनाते हो, वो मॉडल फॉर्म कभी विजिट करना चाहे तो हाँ कब आना चाहिए फॉर्म देखिए आप अगर विजिट करना विजिट कर। चाहें तो आप अक्टूबर महीने में, हमारी यहाँ जो है ना नवंबर महीने में फसल खत्म हो जाती है, और हाँ नवंबर महीने अच्छा में फसल खत्म हो जाती है, और अभी जो है उसके बाद उसमें गेहूं या जो या मेथी ये जो है वो देते हैं। अभी जो है गेहूं वो दिया काश्तकारों ने, और अभी आप देखो कि 2.5 महीना हो गया, 2-2.5 महीने फसल हो चुकी है। तो ये हमारे सतीश भाई बोल रहे हैं, आप खाली कॉटन में ही ज्यादा उत्पन्न लेते हो, गेहूं गेहूं में नहीं लेते हो क्या फिर? सभी में लेते हैं भाई, हमारे यहाँ तो सभी चीजें होती है, गेहूं होता है, जौ होता है, चना होता है, गेहूं में कितना मक्का मिलते हैं? मक्का होती है, उड़द मूंग वगैरह होता है, और ये सबसे कीमती फसल जो होती है ना हमारे यहाँ जिसका लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है वो अफीम भी होती है। नहीं इनका कहने का मतलब है आपका यील्ड कितना आता है, आप खरीफ में क्या लगाया आपने और उसका यील्ड क्या आता है? रबी खरीफ में जो लगाई ना आपने अबे अभी, गेहूं नहीं गेहूं की रबी में जो है अपनी बात ना, की। गेहूं की उपज हाँ आपने अभी क्या एक लगाया है खेत में? हाँ अभी जो है ना वो गेहूं जो वगैरह 1 हेक्टेयर हाँ हाँ में गेहूं की हमारी यहाँ 35 से 40 क्विंटल पैदावार होती है। बाप बहुत अच्छे, इसके लिए हाँ सब ताड़ियां बजा रहे नहीं नहीं इधर। तालिये तो आप सही बात है। देखो एक बात बता दे तो, तालिये तो आप इसलिए बजाओगे हम राजस्थान में उस जगह पैदा हुए हैं, और जब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो शिवाजी हाँ महाराज के जो आपके जो शिवाजी महाराज जो है ना महाराणा प्रताप के ही वंशज हैं, यहीं से गए हुए हैं उनके बाप दादा, तो आप तो ताली इसलिए भी बजाओ कि जिस शिवाजी महाराज के नाम से आप जय जयकार करते हो वो बेटा हमारे यहाँ का है। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हमको भी इतिहास मालूम गिरा अभी नया नया। आप बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, तो देखो राजस्थान वालों ने तो नहीं नहीं जो है सर, ना, हमको ये तो मतलब राजस्थान वालों ने मतलब तो आपको बेटा दे दिया है वगैरह के, भाई आप उसकी जय जयकार करो। नहीं, वो जय जयकार की बात नहीं है, लेकिन ये इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता ना, ये आपसे हमको मालूम गिरा अभी। हाँ इतिहास में मैं बता रहा हूँ ना आपको आपके ये नहीं जितने ये है ना घोरपड़े, परांजपे, हाँ सावंत हाँ और ये हाँ भोसले, ये सब यहीं से गए हुए हैं हमारे यहाँ से, और जिन जिलों से मैं बोल रहा हूँ वहीं से गए हुए हैं, चित्तौड़गढ़ जिले अच्छा से, हाँ ये जो महाराणा के खानदान के हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सर आपका मॉडल फॉर्म देखने लायक, विजिट कभी हुआ होने की रही तो कुछ मतलब। हाँ पधारिए बिल्कुल पधारिए, मतलब जो है ना स्वागत है आपका, आपको दिखाएंगे। हाँ तो ठीक है, आना कैसे वहां पे, ये बात बोलो आपके यहाँ। आप कौन से जिले में बिराज रहे हैं? अकोला अकोला हाँ अकोला महाराष्ट्र। सीधी ट्रेन है भाई, सीधी ट्रेन है अकोला से, ये हैदराबाद के लिए जो चलती है अजमेर नीलेश सर से और हाँ, इससे जयपुर से, वो जानकारी मैं सीधी दूंगी ट्रेन आती आपको। है, भिलवाड़ा आती है। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ शीतल कई मैडम दे देंगे हमको जानकारी, बोल
हाँ जी, और ठीक किस है टाइम पे आप। कहाँ पे विजिट करना ठीक रहेगा ये भी हाँ मैं जी आपको हाँ, बताऊंगी, ताकि अच्छी बात, उस तरीके से आप नियोजन करके वहां तक पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, चलेगा, विजय बिल्कुल बिल्कुल सर है हमारे साथ, ठीक विजय है। मडावी सर है, कुछ हाँ कारण वो जी, लेट ज्वाइन हुए हमसे। विजय सर, हाँ हाँ सर, हाँ मैडम बोलिए। आज का वेबिनार किस तरह हुआ ये मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। जी हाँ बोलिए ना। पर हमने एक ब्रांड के बारे में आज जो वेबिनार में जुड़े थे उन्हें बताया, जी कस्तूरी ब्रांड, ये नाम आपने जी सुना है कस्तूरी कॉटन? नहीं, हमारे इधर तो चंद्रपुर में तो कुछ शायद नहीं है ये। ओके, अच्छी तरीके का कपास कैसे उगाया जाए जी और कपास की गठान बना के उसे हाँ मार्केट में ले जाके उसे एक ब्रांडिंग हम देना चाहते हैं, और जी उसकी जी जानकारी देने के लिए आज का एफपीओ कॉटन गुरु ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और अच्छी तरीके से कपास कैसे उगाया जाए, आने जी वाले रोगों पर कैसे इलाज किया जाए, इसकी जानकारी शर्मा सर अभी हमें दे रहे थे। शर्मा जी सर है भिलवाड़ा से और जी अपना एफपीओ जो है वो महाराष्ट्र का है। जी हाँ जी हाँ साल महाराष्ट्र में कपास की हालत बहुत खराब हो चुकी है, गुलाबी जी बिल्कुल सुंडी के, गुलाबी बोंड अली के वजह से जी कपास हाँ पीला हुआ है या फिर अली आने के वजह से खराब हो चुका है। जो व्हाइटनेस चाहिए व्हाइटनेस भी नहीं आ रहा, थोड़ा डार्क कलर हो रहा है उसमें, कलर हाँ, तो में भी पीलापन चेंजेस हो आ रहा है, रहा क्या है। हाँ कर सकते पीलापन, हैं, आप सर, हाँ बिल्कुल पीलापन आ रहा है। जानकारी सर ने दी। तो अभी आपको सर को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कपास के ही बारे में नहीं, ये हमें अदर क्रॉप के बारे में ही जानकारी देते हैं, कौन से जी रोगों पर क्या उपचार किया जाए और अधिक उत्पन्न कैसे लिया जाए, कम जी खर्चे में अधिक उत्पन्न कैसे लिया जाए, ये सर हमें बताते हैं। जी बिल्कुल, नहीं हाल फिलहाल तो अभी कोई सवाल नहीं है, बहुत कुछ छूट गया मेरा सुनने के बारे में, थोड़ा सा वो मैंने लेट जॉइंट हुआ मैं। हाँ सर नेक्स्ट अपना वेबिनार होगा उसके बारे में भी जी आपको बिल्कुल बिल्कुल जानकारी दूंगी बिल्कुल मैं, तभी आप प्लीज जो है टाइम पे ज्वाइन होंगे तो आपको ये बिल्कुल बिल्कुल जानकारी जरूर मिलेगी। जी, बिल्कुल और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं फार्म के रिलेटेड, जैसे कौन से हाँ रोगों को क्या उपचार करना चाहिए या फिर क्या करेंगे तो और अधिक उपज ली जा सके, अधिक उत्पन्न ली जा सकते हैं, तो जी आप हाँ हमें प्रश्न डाल सकते हैं, उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभी ये जो वेबिनार हुआ ये ऑनलाइन हुआ 1-1.5 घंटे जी के लिए, जी पर हम वहाँ पे आके एक वर्कशॉप भी ले सकते हैं और बिल्कुल आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको सामने ही मिल सकते हैं, अगर हम एक बिल्कुल वर्कशॉप अरेंज करेंगे तो। जी हाँ उसके जी हाँ जी लिए आपका और आपके किसान भाइयों का सपोर्ट हमें लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल वर्कशॉप का एक टाइम, एक दिन हम तय करेंगे, हमारी जी टीम और कस्तूरी ब्रांड क्या है, कैसे मूल्यवर्धन करते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल और अब ठीक है कुछ ना मैडम। पूछना चाहेंगे? नहीं अभी तो कोई नहीं है, और वो वैसे क्या हुआ कि बाकी के जो लोग हैं वो कम समय के होने की वजह से बाकी लोग जुड़ नहीं पाए, तो कम से कम हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है एफपीओ का, तो हाँ अगले से वेबिनार जब जब भी हो जाएगा तो मैं वैसे पहले आपको नंबर देके उनसे वो वेबिनार ज्वाइन करने के लिए मैं पहले लिंक उनको भेज दूंगा। अपनी ये जो ब्रांडिंग के लिए वेबिनार सीरीज चालू है, जैसे मैंने आपको बताया कस्तूरी कॉटन, जी ये जो ब्रांड क्या है और उसके हाँ लिए क्या कर सकते हैं किसान या फिर एफपीओ, तो जी ये हाँ वेबिनार सीरीज कॉटन गुरु ने चालू की है, जी आप मुझे नंबर्स या किसी के नाम व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट जी वेबिनार कब है इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे डालती हूँ, और कौन से बिल्कुल एफपीओ के बिल्कुल साथ है। बिल्कुल मैडम, सही रहेगा। हाँ, ये कांटेक्ट करने के लिए सही रहेगा, जी बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मैं बता रही हूँ। हाँ जी हाँ चलेगा आपको, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप नहीं नहीं कोई दिक्कत मेरा नहीं कोई नहीं, नंबर, हमारी जानकारी के लिए तो अच्छा है मैडम, अगर हाँ ब्रांडेड कपास अगर हम निकालते हैं और हमको मार्केट अगर ऑन द स्पॉट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है।
ओके नहीं, ठीक है यही मैम। हेल्प करने के लिए कॉटन गुरु ने ये वेबिनार चालू किया। वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार बस एक माध्यम है आपकी और हमारी बिल्कुल पहचान होने के लिए, क्योंकि बिल्कुल हमारे लिए आप भी नए हो और आपके लिए हम भी नए हैं। थोड़ी बहुत एक दूसरे की जानकारी होने के लिए हमने ये वेबिनार माध्यम चुना है, जरूर जरूर और जरूर, इसके बारे ठीक में है, डीपली जानकारी हम देने को रेडी है। बस सामने से ओके आपका ओके, रिस्पांस भी उस तरीके से आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो हमारे लिए तो जरूरी यह है कि वो अगर नया ज्ञान हमको उससे मिल सकता है। अभी हजारों सालों से हम लोग खेती कर रहे हैं, हमारे बाप दादा वही काम कर रहे हैं, लेकिन जो उसका उपज या उसका आउटपुट अभी मिलना चाहिए ये जमाने में, वो हो नहीं रहा। जैसे कि मैं अभी आपको गिनाया कि वो जो कपास में जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, और यह वातावरण का भी फर्क हो रहा है, और जो 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 व्हाइटनेस दिखना चाहिए, जैसे कि किसी ने बताया अभी कि पीलापन है, वो पीलापन ज्यादा नजर आ रहा है अभी। और जो उत्पन्न का जो रे एवरेज चाहिए हमको, जैसे कि हेक्टर या एकरी के हिसाब से, वो सब मिल भी नहीं पा रहा। तो उसके लिए भी क्या क्या नवे प्रोविजन है, नवे जो जो मेडिसिन आ रही है, तो उसके बारे में टोटल नॉलेज न होने की वजह से शायद ये भी हो सकता है, या हमारी जमीन का पोत खराब हो गया होगा, ये भी बात हो सकती है, या ज्यादा जो केमिकल्स वगैरह यूज हुआ हुआ उसके उसके पहले हम लोगों के आत्मसात से, उससे भी वो खराबी आ सकती है। ये बहुत कुछ बातें हैं मैडम। बराबर है सर, ये बहुत कुछ बातें हैं। हमें सब चारों बाजू का ध्यान रख के खेती करनी पड़ती है। बिल्कुल अगर हम सभी पॉइंट्स एक-एक नोट करके कदम उठाते हैं तो ही हमें अच्छा रिजल्ट आगे दिखाई देता है। बराबर बराबर है। मैडम तो जी, कॉटन गुरु के बारे में मैं कुछ अभी आपको बताना चाहूंगी। कॉटन गुरु महा एफपीओ एक ऐप है, अगर आप इंस्टॉल करते हो मोबाइल में जी तो आपको वेदर रिपोर्ट वहां पे पता चलेगा, मार्केट रिपोर्ट पता चलेगा, और जी हमारे साथ जैसे अभी वेबिनार में पुरुषोत्तम शर्मा सर जुड़े हुए हैं, ऐसे जी और भी एक्सपर्ट है। फार्म में आने वाले डिसीज क्या है, जो रोग आपको दिखाई दे रहा है आप तुरंत उसका फोटो अपलोड कर सकते हो, उसके ऊपर जी क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको वहां पे दिखाई देगा, दवाइयां पता बिल्कुल चलेगी। ये तो हुआ एक टेक्नोलॉजी ऐप मोबाइल का। जी हाँ कॉटन गुरु के जो प्रमुख है मनीष दागा सर, वो शुरुआत में हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर जी ट्रैवलिंग में है इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाए। उन्होंने जी 5 पॉइंट मंत्र बताए हैं, और यवतमाल जिले के बहुत सारे फार्मर्स ने आज उसका रिजल्ट खुद क्या कहते हैं अनुभव किया है, कि जो जी सर ने बताया उन्होंने उस तरीके से ये 5 पॉइंट मंत्र यूज किए और यील्ड में कितना डिफरेंट आता है वो उन्होंने खुद देखा इस साल। अच्छा सर ने सिंपल पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि माटी परीक्षण किया जाना जरूरी है, या हाँ फिर सोइंग की दिशा हाँ उत्तर दक्षिण किस तरीके से किया जाए। अभी शुरुआत में शर्मा सर ने बताया डी टॉपिंग, सर के मार्फत हमने गांव में डी टॉपिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जी डी टॉपिंग मीन्स ऊपर का, अपन मराठी मध्ये बोलतो शेंडे खोडतो ना, अपन शेंडे खोडायचं हाँ हाँ मशीन, मराठीत बोला ना मॅडम, चांगलं सुई मला थोडंसं अवघड जाते मराठी बोलायला। चालेल। नाही, शर्मा सर हिंदी भाषेत कम्फर्टेबल आहे म्हणून मी हिंदीतच बोलत होती। अच्छा, म्हणजे ते ऐकत आहे। हाँ, तर यवतमाळ मध्ये काही गावांमध्ये मनीष सरन मार्फत काही मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट झालेल्या आहेत। शेंडे बरोबर खोडायची हाँ मशीन एक त्याच्यामध्ये आहे, हाँ आणि शर्मा सरांनी सांगितलं झाड 5 फुटाचं झाल्यानंतर जर वाढत असेल तर आपण त्याचे शेंडे खोडले पाहिजे, म्हणजे हो, जास्त वाढ त्याची होणं, अति प्रमाणात वाढ होणं पण योग्य नाहीये त्या पिकासाठी, बोंड झाड खूप मोठं होतं आणि बोंड नाही लागत, असाही प्रकार होतो तो। नाही लागत। बरोबर आहे, हाँ म्हणजे हाँ ते वजन पण त्या झाडाने धरलं पाहिजे ना बोंडांचं, बरोबर आहे, हाँ अति उंची झाली आणि बोंडांचं वजन जास्त असेल तर झाड झुकून जातं, हाँ झुकून म्हणजे जाते, बरोबर आहे, काही प्रमाणात चांगलं असतात ते खराब होण्याची शक्यता तिथे असते। हो। आणि दुसरं एक आहे, ज्यांच्या शेतामध्ये ठिबक आहे इरिगेशन हाँ आहे, त्यांनी मल्चिंगचा वापर करावा, मल्चिंग पेपरचा। हो, यावर्षी आम्ही आता आम्ही काय शेतकऱ्यांना केलं मॅडम, आता प्रयोग मल्चिंगचा खर्च नाही, आता आम्ही एक प्रयोग काय केला त्याच्यामध्ये, मल्चिंग नाही केली, आता हाँ आमच्याकडे कसा धान पट्टा आहे काही भागामध्ये, हाँ तर आमच्याकडे तनीस मोठ्या प्रमाणामध्ये होते, तनीस ओके धानाची तनीस नाही का,
मग आता कशी वाया जाते काही बाबतीमध्ये तनीस, आणि ढोरांना जनावरांना कसं आहे की नुसती तनीस तर खाऊ घालत नाही आपण, तर मग जिथं जिथं आपण ते रोपण केलेलं आहे आपल्या कपाशीचं, तर मधल्या भागामध्ये आपण तनीस टाकली मल्चिंगच्या ऐवजी. ओके हा, मग त्याच्यामुळे कसं झालं, मल्चिंग पेपरचा आमचा खर्च वाचला. म्हणजे तो एक आम्ही प्रयोग करून पाहिल्यामुळे नाही का, आता जिथं आपण मल्चिंग पेपर जाता का आणि बाजारातून पैसा आणणं हे सगळं, आता गोष्टी आल्याच त्याच्यात, लेबर आलं, तो जो बरोबर. खर्च जो होता तो आम्ही त्याच्यामध्ये कव्हर केला. तनिष्ठ तेवढ्या भागामध्ये हातरून दिलं आणि तो खर्च कमी करून टाकला. ओके, म्हणजे तुम्हाला याच्यामध्ये अनुभव आला मल्चिंग पेपरचा, बरोबर. आता आपल्यासोबत वेबिनार मध्ये जसं मी सांगितलं, यवतमाळ मध्ये काही बरेचसे शेतकरी आहेत ज्यांनी हे 5 पॉइंट मंत्र फॉलो केले. हो असे प्रगतशील शेतकरी आपल्यासोबत आहेत, विशाल घोडाम म्हणून. विशाल, हाँ. आवाज येत आहे? विशाल, विशाल जुळले का? विशाल, हाँ जुडलेले आहे. हॅलो हॅलो हाँ विशाल, मनीष सरांनी जे मशीन तुला हाँ दिलं, मॅडम. तुझ्या गावात दिलं, त्याबद्दल माहिती सरांना सांग. मल्चिंग पेपर आपण वापरला आहे किंवा 5 पॉइंट मंत्र काय आहेत याची माहिती सरांना सांग. तुझा अनुभव सांग ह्या वर्षीचा. ह्या वर्षी मनीष सरांनी सांगितल्याप्रमाणे नाही का मॅम, मी पहिल्यांदा माती परीक्षण केले माझ्या शेतामधील. 5 मंत्र सांगितले होते मनीष सरांनी, त्यापैकी मी माती परीक्षण, पेरणीची दिशा आणि डी टॉपिंग न कोणती मल्चिंग दिशा पेपर. निवडली तर माझ्याकडे म्हणजे सरांनी, कोणती दिशा सांगितली होती? उत्तर ते दक्षिण. हॅलो, आणि सर आपल्या इथे कोणत्या दिशेने पेरणी होते? विजय सर, हाँ मॅडम, हाँ आपले ट्रॅक्टर आहे ना, नांगरटी आहे. नाही, पेरणीची दिशा कॉटनची आपली कोणती आहे? नाही, आपली दिशेवर आम्ही लक्ष नाही दिलं मॅडम. आमचे कसे जवळजवळ 3-4 वावर आहे, त्याच्यामुळे कसं जशी जर स्पेस मिळालेली आहे त्या हिशोबाने आम्ही दिशेचं अजूनपर्यंत मी पहिल्यांदाच ऐकलं. विशाल, याच्याबद्दल सांग, अशा दिशेने पेरणी केल्यावर काय होऊ शकतं? उत्तर ते दक्षिण पेरणी केल्यामुळे जे सूर्याची किरण आहे मॅम, तर जे कापूस या पिकाच्या नाही का पिकावर पडते, म्हणजे त्यांच्यावर जे बाजूचं पीक आहे, म्हणजे एखादी दुसऱ्या साईडचं जे कापूसचं आहे झाड आहे, त्या झाडावर सावली न जाता नाही का सूर्यकिरण जाते ना, सूर्यकिरणामुळे जे अन्नद्रव्य शोषणाची क्रिया ती सलभ होत असते. हाँ. अच्छा, उत्तर ते दक्षिण तर कराचं मॅम, काय, पूर्व ते पश्चिम. हाँ एक सेकंड, मैं कास्तकारों से ये कहना चाहता हूँ, कपास का ही नहीं उत्तर दक्षिण सभी फसलों में बोना चाहिए. वो सही कह रहे हैं कि सूर्य की किरणों से जब आप जो पूर्व पश्चिम बोएंगे तो उससे जो है पानी पानी की नमी उड़ेगी, और वो जो है हमेशा कोई भी फसल बोए तो वो उत्तर दक्षिण ही बोना चाहिए, कपास की बात नहीं है. हाँ सर, कपास की नहीं, सभी कोई भी फसल हो वो उत्तर से दक्षिण वो ही लगाना हाँ चाहिए. उत्तर दक्षिण ही बोना चाहिए. हाँ हेलो हेलो. हाँ, दूसरा मतलब म्हणजे दुसरी गोष्ट म्हटलं तर माझ्याकडे इरिगेशन नसल्यामुळे मी मल्चिंग पेपरचा वापर नाही केला. डेमो प्लॉटवर मल्चिंग पेपरचा वापर केला अच्छा, आहे. मी बघितलं कुंभारी गावात विलास भाऊ मराठी सांगू का? तिथे. विलास भाऊ, हेलो हेलो. हाँ बोला ना, बोला मल्चिंग ऐकत पेपरचा वापर केला आहे कुंभारी गावामध्ये, मल्चिंग पेपरचा वापर करून आहे सर. आहे. तिथे मतलब जे तण तण राहत नाही का, निंदण. हेलो, हाँ, बोल निंदणचा खर्च वाचला आहे सर. हाँ. निंदणचा खर्च वाचला आणि जे रोग येणार आहेत ते कमी प्रमाणात दिसून येते. हो, बरोबर आहे. म्हणजे सर हाँ, आता आम्ही आता तुमच्या यावर्षी तुमच्याकडे काही कसं, आता तुम्ही मल्चिंग पेपरचा वापर केला, आता आमच्या करतो. इकडचे कास्तकार कसे आहे, आता तेवढे आपल्याकडे धानही होते ना, तणीस आहे हाँ आपल्याकडे, तर त्या हो, तणसामुळे कसं की आपण तेवढ्या जागेवर बी रोवली तेवढी जागा सोडून बाकी जागेवर तणीस टाकून दिली, त्याच्यामुळे ओके ते हो. तण वगैरे आमच्याकडे झालं नाही, तो एक खर्च वाचला आमचा.
मला कोरडवाहू मध्ये सर मॅक्झिमम नाही का, मी जे मंत्र्यांचा वापर केला ना, मनीष सरांनी सांगितल्याप्रमाणे मी माझ्या शेतीमध्ये प्रयोग केला, त्यापासून मला नाही का 1-10 ते 11 झाला आहे. आपली एकरी किती झालं उत्पन्नामध्ये? मला 1-10 क्विंटल ना. हो बढिया बढिया. पहिला मला नाही का 7 ते 5-6 असंच कापूस होत होता, पण ह्या वर्षी मॅक्झिमम मला 10 क्विंटल झाला. हो हो बरोबर आहे. हा ठीक आहे ठीक आहे. अशीच एक वेगवेगळी माहिती आपण शेतकऱ्यांना देत असतो जेणेकरून शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि एफपीओचा फायदा कसा होईल याचा विचार कॉटन गुरु महाएफपीओ करत असत. ही आपली थोडक्यात एक ओळख झाली वेबिनारच्या मार्फत. हो ना. हो नेक्स्ट वेबिनार जेव्हा असेल मी तुम्हाला लिंक जरूर शेअर करेन. हो हो निश्चित सांगा. आणि मी त्यावेळेला आम्ही जास्त कास्तकार जोडू त्याच्यामध्ये. मी तुम्हाला एक्स्ट्रा नंबर्स ही पाठवतो अजून. हो हो बिलकुल चालेल चालेल काही हरकत नाहीये. हो हो ठीक आहे मॅडम. थोडं फार लेट डिस्कशन झालं आपलं, पुढच्या वेळेस करू आपण चांगलं डिस्कशन आणि वर्कशॉपचंही प्लॅनिंग तुमच्याकडून जर आम्हाला रिस्पॉन्स मिळाला तर आपण तेही अरेंज करायला तयार आहोत. बरोबर दोन्ही बाजूने तो रिस्पॉन्स राहिला तर कसं चर्चा करायलाही बरं वाटते. हो सर अगदी बरोबर बोललात. म्हणून तर मी बोलली ना हे एक माध्यम निवडलं कॉटन गुरुने वेबिनार साठी. ऑनलाईन वेबिनार हे आपण वर्कशॉप साठी बोलू पुढे. आपण जेव्हा फ्री असाल आपण सांगा मला, आपण फोनवर बोलूया ह्याच विषयावर. ठीक आहे ना मॅडम. ओके चालेल सर. ठीक आहे आजचं वेबिनार संपलं. इथे मी सर्वांना सांगू इच्छिते आज जॉईंट असलेले झाडपट्टी एफपीओ मधून विजय मडावी सर आणि त्यांच्या शेतकरी बांधवांचे मी ते धन्यवाद मानते. आपलेही खूप खूप आभार मॅडम. थँक्यू सर. धन्यवाद मॅम तुम्ही मला बोलण्याबद्दल संधी दिल्याबद्दल. धन्यवाद. थँक्यू विशाल. ठीक आहे. थँक्यू शर्मा सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आणि थँक्यू मनीष दागा सर जो कॉटन गुरु के प्रमुख है उन्होंने इतना अच्छा प्लॅटफॉर्म हमें दिया. थँक्यू एवरीवन.